स्वागत है आप सभी का ईजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करके टीचर्स बने हैं, ठीक है, उनका जो है पे स्केल और उनका सैलरी क्या रहने वाली है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे क्लासेस का डिस्कस करेंगे, आपका पीआरटी का क्या रहने वाली है, ठीक है, जो आपका टीजीटी है और जो आपका पीजीटी है और जो आपका हेड मास्टर होते हैं उनका कितना सैलरी रहने वाली है वह सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पर मंथ वह सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। यहाँ पे पहला हम लोग डिस्कस करें, जो पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका प्राइमरी का, ठीक है, जो आपका 1 to 5 है प्राइमरी स्कूल टीचर का, इसका आपका बेसिक पे आपका 25,000 है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करें कि जो आपका 6 to 8 का है, ठीक है, इसका जो बेसिक पे आपका 28,000 है। जो आपका 9th और 10th वाले जो स्टूडेंट टीजीटी वाले हैं उनका 31,000 बेसिक पे है, और जो 11th और 12th वाले हैं जिनको पीजीटी टीचर बोला जाता है उनका 32,000 बेसिक पे है, ठीक है। और हेड टीचर प्राइमरी स्कूल है उनका जो बेसिक पे है उनका 30,500 है, और जो हेड मास्टर प्लस टू स्कूल वाले हैं उनका 35,000 है, ठीक है। यह बेसिक पे हुआ। टोटल आपका जो नेट सैलरी जो आपको अकाउंट में क्रेडिट होगा वह कितना होगा सब लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो जो प्राइमरी स्कूल जो टीचर जो स्टूडेंट जो टीचर बने हैं प्राइमरी स्कूल का पीआरटी का, उनका जो आपका डीए 46% 11,500 मिलेगा, 4% आपका एचआरए मिलेगा मतलब 1000, मेडिकल जो है आपका 1000 हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, और टोटल जो है आपका 38,500 आपका ग्रोथ सैलरी बनेगा, ठीक है। 38,500 बनेगा आपका प्राइमरी स्कूल टीचर का, जिसमें से आपका डिडक्ट होगा 3650, ठीक है, और 30 रुपया, ठीक है। टोटल आपका जो अकाउंट में क्रेडिट होगा जो पीआरटी का जो स्टूडेंट है उनके 34,820 रुपया सैलरी जो है उनका अकाउंट में क्रेडिट होगा, मतलब जो पीआरटी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, उनका 34,820 रुपया जो उनको सैलरी मिलेगा, ठीक है, पर मंथ। सर नेक्स्ट डिस्कस करें जो आपका 6 to 8 वाले स्टूडेंट्स है उनका आपका 46% डीए के मिला है तो 12,880 मिलेगा, एचआरए 1120, मेडिकल 1000, 4300 जो है 43,000 जो आपका टोटल बन रहा है जो 6 to 8 वाले स्टूडेंट है उनका 43,000 बनेगा, जिसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा 4,088 और 30। तो टोटल अकाउंट में जो आपका क्रेडिट होगा पर मंथ वह 38,882 रुपया क्रेडिट होगा जो आपका 6 to 8 वाले जो टीचर बने उनका, ठीक है। और जो 9th to 10th है उनका जो है 47,500 का आपका टोटल बनेगा, ठीक है, जो आपका ग्रोथ सैलरी होगा 47,500, उनमें से जो आपको खाते में जो क्रेडिट होगा वह 42,944 रुपया, ठीक है, आपके खाते में जो है वह 42,944 रुपया क्रेडिट होगा जो 9th और 10th वाले होंगे, ठीक है। और जो 11th और 12th का है उनका जो टोटल सैलरी बनता है वो आपका 49,000, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 49,000, उसमें से उनको जो खाते में जो क्रेडिट होगा पर मंथ वो 44,298 रुपीज, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 44,298 रुपीज जो है पर मंथ क्रेडिट होगा जो पीजीटी टीचर्स है। जो हेड टीचर प्राइमरी स्कूल के हैं, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे मतलब हेड मास्टर होते हैं उनका जो है 46,750 रुपीज बनेगा, जिसमें से उनको खाते में जो क्रेडिट होगा वो 42,237 जो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर है, ठीक है। जो हेडमास्टर है प्लस टू स्कूल का उनका जो क्रेडिट होगा 53,500 उनका सैलरी बनेगा टोटल, ठीक है, जिसमें से आपका जो खाते में जो क्रेडिट होगा वो 48,330 रुपीज, ठीक है, 48,330 रुपीज। हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि जितने भी टीचर्स का बहाली हुआ है बीपीएससी के तहत उनका कितना सैलरी रहने वाली है पीआरटी का, 6 to 8 का, टीजीटी का, पीजीटी का जो हेडमास्टर बनेंगे प्राइमरी स्कूल का उनका, और जो प्लस टू का हेडमास्टर बनेंगे उनका, ठीक है। अगर आपको बीपीएससी 3.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।